देखो विद्यार्थियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, विभव। विभव को हम ऐसा होता डिफाइन करते हैं, विभव एकांक धना वेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर विभव कहलाता है। देखो तो ये डेफिनेशन हो गई। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, सपोज करिए ये एक बिंदु O है, इस पर एक प्लस क्यू आवेश हमने रखा हुआ है। अब मैं इसके लाइन ऑफ जॉइनिंग देखूं और इसके बिंदु P पर अनंत से, अनंत यानी बहुत दूर या विद्युत क्षेत्र के बाहर को, एक क्यू नॉट आवेश को लेकर आता हूं। ये क्यू नॉट आवेश हमारे पास क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक, तो अनंत से क्यू नॉट आवेश को लाने में अगर हम लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा? रिपल्सन या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम क्यू नॉट आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वह आवेश पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, लेकिन अगर एकांक आवेश को लेकर आता हूं तो वह विभव कहलाता है। तो मान लो क्यू आवेश को अनंत से पी तक लाने में कार्य W है, तो अगर इसकी जगह हम एकांक आवेश लेके आते तो एकांक आवेश को लाने में क्या हुआ कार्य? W अपॉन क्यू नॉट हो गया। तो W अपॉन क्यू नॉट मेरे पास विभव कहलाने लगता है। इसको हम ऐसा देखते हैं, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया हुआ एकांक धनावेश को, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है? बिंदु P पर विभव कहलाता है। इसके इकाई देखिए, कार्य की इकाई हो गई जूल, आवेश की हो गई यूनिट कूलाम, वन जूल अपॉन वन कूलाम। इसको मैं यहां पर वोल्ट बोल देता हूं, ये हो जाता है वोल्ट, यानी हमारे पास क्या हो गई? विभव की इकाई वोल्ट कहलाने लगती है। तो हम एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो विभव एक टाइप की ऊर्जा है, अनंत से लेकर आएंगे तो कुल ऊर्जा, एकांक आवेश को लेकर आएंगे तो विभव कहलाने लगता है। नोट कर लीजिए, देखिए विभव मेरे पास ऐसा डिफाइन होने लगा, V इक्वल टू W अनंत से एक बिंदु P तक एकांक आवेश को लाने में किया हुआ कार्य, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट कहलाएगी। विभव एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा कि दिशा नहीं होती, ठीक, विभव अदिश राशि है, ये वोल्ट हो जाता है क्योंकि कार और कूलाम भी कैसी है या आवेश भी कैसी है?
अदिश राशि कहलाती है। एक होमवर्क इसी में दे देता हूं, होमवर्क वी का विमी सूत्र ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका करेंगे हम, एक बिंदु आवेश के कारण विभव को कैलकुलेट करने लगते हैं। ठीक, इसको इतना नोट करेंगे आप ना, तो बिंदु आवेश के कारण विभव को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है, विभव निकालना चाह रहे हैं हम, ये ठीक। तो इसको करने के लिए ध्यान रखिए, मान लीजिए मेरे पास बिंदु O पर एक आवेश Q रखा हुआ है, इससे बिंदु P जो R दूरी पर स्थित है मैं विभव निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एकांक आवेश को अनंत से लेकर आता हूं। पहले मैं बिंदु A पर लाऊंगा, फिर बिंदु B पर लाऊंगा। बिंदु A की O से दूरी x मान लेता हूं, और मान लो मैंने यहां से यहां तक एक आवेश क्यू नॉट को लेकर आया, और उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हो गया, dx। तो मैं क्या करता हूं, छोटे 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 पार्ट में कार्य को डिवाइड करता हूं। तो माना क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक लेकर आता हूं, तो या तो किया गया सूक्ष्म कार्य। देखिए, मैं इस आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए से बी तक लेके आता हूं। पहले ऐसा करते करते कार को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करता हूं, फिर लास्ट में बिंदु पी पर लेके आता हूं, तो किया हुआ कार्य डी डब्ल्यू। कार बराबर कितना होता है, बल गुणित विस्थापन एफ डी एक्स कॉस थीटा दिया जाएगा। ठीक, अब मान लो मैंने बिंदु क्यू नॉट को इधर पे रख दिया, तो कूलाम के नियम से इसके और इसके बीच में लगने वाला बल एफ कितने के बराबर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट Q1 Q2 इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, एक्स की जगह ए आर की जगह एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया बल, ये हो गया डीएक्स कॉस थीटा। अब देखो यहां पर ये आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर आ जाएगी, यानी बल इधर लग रहा है, और मैं आवेश क्यू नॉट को किधर ला रहा हूं, इधर ला रहा हूं। इसका मतलब है बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, cos 180। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स cos 180। cos 180 मेरे पास कितने के इक्वल हो गया, एक मिनट रुकिए, मैं यहां पर ये एफ की वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहा हूं,
ये एफ कितने के इक्वल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस 180 कितने के इक्वल होता है, -1। तो ये हो गया आपके पास -1 के इक्वल। तो कार्य को मैंने क्या कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो क्या हुआ, कार्य कितना आ रहा हमारे पास, dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसलिए दिया गया कुल कार्य, मैं क्या कर रहा हूं कि वो कुल कार्य को निकालना चाह रहा हूं, कहां से, अनंत से यहां तक लाने में। तो मैं जब भी कुल कार्य करता हूं तो इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो इंटीग्रेट कर देता हूं डी डब्ल्यू, ये माइनस ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा x^-2 dx। जब मैं इन्फिनिटी पे रहता हूँ तो कार जीरो, जब मैं बिंदु P पर आता हूँ, P की यहाँ से दूरी कितने के इक्वल है R, तो किया हुआ कार्य कितना हो गया W। तो ये मेरे पास यहाँ पर कंडीशन आ जाती है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, देखिए टोटल कार्य को निकाल लूँ, टोटल कार्य मेरे पास W हो गया, तो ये हो जाएगा W -0 -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट x^-2+1/-2+1 आ गया इन्फिनिटी टू आर। को आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हुआ कार्य, W = -q q नॉट/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये -1 तो -1 + हो गया x^-1 ∞ to R। ठीक है, तो ये कार कितने के इक्वल हो रहा है, हम यहाँ पर कार को कैलकुलेट करें, कार हो रहा है अनंत से बिंदु P तक लाने में। तो सॉल्व कर लीजिए, Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x^-1 1/r आ गई, ये कैसा हो गया ∞ to R। तो W वर्क डन इन्फिनिटी से, या तो पॉइंट P कर लो या R कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार आप रख दीजिए अपर लिमिट R, ये X है, ठीक, एक बार रख दीजिए आप R और एक बार रख दीजिए 1/∞। तो देखिए आपके पास क्या हुआ कार, W इन्फिनिटी टू P तक लाने में, Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/∞ यानी 0, तो 1/R के इक्वल। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब भी मैंने यहाँ पर आज स्टार्टिंग में विभव की डेफिनेशन बताई है, V इक्वल टू, V मेरे पास कितने के इक्वल होता है, V इक्वल टू वर्क डन, क्या हुआ कार अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अपॉन Q नॉट, वैल्यू रख दो, V इक्वल टू क्या हुआ कार कितना आ गया, Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R अपॉन Q नॉट कैंसिल, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R। तो इतना आपके पास क्या होता है, ये विभव आ जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट कितने के इक्वल हो जाती है, वोल्ट के इक्वल। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास जो विभव का फाइनल फॉर्मूला बन रहा है, वो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
किसी बिंदु पर अगर विभव को निकालता हूं तो देखिए मेरे पास बिंदु आवेश के कारण विभव अगर मैं हूं तो देखूं तो यहां पर मेरा फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया, वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है इतने वोल्ट के। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।